Hi, Sharks. Hello. I'm Parul Gulati. I'm an actor and Nishar ki Malkin. Mere Malkin. As an actor, मेरा हमेशा से सपना था कि मैं बर्फीले पहाड़ों में साड़ी पहन के अपनी लंबी जुल्फ से यूं झटका हूं। पर मेरे बाल कभी लंबे होते ही नहीं थे। ये भी मेरे असली बाल नहीं है, ये निशर है बाल। Oh wow. Yeah. Oh wow. Wow. Smooth. Right. So, मैं जाती थी विग दादाज के पास और वो मुझे दे देते थे हैवी और महंगी हेयर एक्सटेंशंस। सुल्फे झटकाना अनकंफर्टेबल हो गया था यार, तो मैंने बनाई ऐसी हेयर एक्सटेंशंस मेरी जैसी लड़कियों के लिए जिनके पास पैसे भी कम थे और बाल भी। That's when Nish Hair was born. इंडिया की पहली ऑनलाइन कंपनी ऑफ हेयर एक्सटेंशंस nishhair.com जो मैंने अपने लिविंग रूम से अपनी मम्मी की सिलाई मशीन पर शुरू करी अपनी मम्मी के साथ। आपने मेरी प्रॉब्लम तो सुन ली। अब देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उनमें से 66 करोड़ केवल महिलाएं हैं जिनमें से 60% को हेयर लॉस की प्रॉब्लम। नई माएँ जब बच्चा पैदा होता है वो क्या खुद से नहीं गुजरती, उनका पोस्टपार्टम हेयर लॉस विच न्यू मदर्स वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनके लिए मैंने बनाया एक हेयर टॉपर क्योंकि क्राउन से आपका हेयर जाने लगता है। So, मैंने बनाया एक ऐसा हेयर टॉपर। Oh, wow. Oh my God. Wow. No way. Gift that keeps on giving. Wow. जो हूबहू ह्यूमन स्कैल्प की तरह दिखता है। Oh, wow. और ह्यूमन हेयर से भी बना है। अभी और कितना निकलेगा? और कितनी ले लेंगे? अब देखिए माँ पे गई है तो बाप पे तो जाना ही पड़ेगा ना। Oh, अब मेरे पापा की रिसीडिंग हेयरलाइन है तो मेरे भी बाल यहाँ कभी आते ही नहीं है, तो मैंने बनाया फ्रेम माय फेस जो आपके फेस को फ्रेम भी करता है और आपके टेंपल हेयर थिनिंग को कवर भी करता है। एंड नाउ जेन जी, राइट, उनको चाहिए रोज कुछ नया लुक, उन्हें चाहिए बैंग्स, उन्हें चाहिए कलर स्ट्रैंड्स, उन्हें चाहिए न्यू थिंग्स, तो मैंने बनाए कलर स्ट्रैंड्स। ओह वाह, व्हिच इज समथिंग यू गेट इन एन इंस्टेंट। सो आप मेरे प्रोडक्ट्स nishhair.com और Amazon से भी ले सकते हैं। So Sharks, मैं Nishhair की मालकिन। I like that word, Malkin. Malkin. First time on Shark Tank. Founder. First time pitching my business to anybody. Oh wow. It's a self-made business and I'm here to ask for 1 crore for 2%. Wow. So, does this offer sail your boat or do I need to sugarcoat it more? Well said, but we'd prefer some sugarcoating. Parul, welcome to Shark Tank finale season. Thank you, Amar. पहले ये बता दो मेरे को थोड़ा सा कि निश एंड पारुल गुलाटी, इज देयर अ कनेक्शन और जनरली इज जस्ट निश? माय मदर कॉल्स मी निशु, तो उन्होंने इसका नाम रखा निश बिकॉज़ हेयर एक्सटेंशंस बाय पारुल गुलाटी साउंड्स। और आपने बोला पहले मॉडल या एक्टर रहे हैं, राइट? मैं हूं, अभी भी एक्टिंग कर रही हूं। ओह नाइस। कैसे? मैंने वेब शोज कर रहे हैं, मेनली पंजाबी मूवीज कर रही हैं, गर्ल्स हॉस्टल इज वन ऑफ द शो। वाओ, नाइस। तो ये अभी आप ये भी करते हो? Yes. और ये फुल टाइम बिजनेस करा हुआ है आपने इसको या दिस इज जस्ट अ पार्ट टाइम बिजनेस? नहीं नहीं, ये फुल टाइम बिजनेस है मेरा। एंड एक्टिंग इज भी फुल टाइम है। हाउ कैन यू डू टू थिंग्स फुल टाइम? व्हेन यू आर अ मदर एंड यू आर मैरिड, तो मैं अपने एक्टिंग करियर से मैरिड हूं और ये मेरा बच्चा है, तो उसके अंदर कैसे डिसाइड कर सकती हूं मैं किसको कितना टाइम दूं? जवाब भी गुड आंसर, राइट? और आप पहले पीछे कहां से हैं? बॉम्बे से? मैं रोहतक से हूं, हरियाणा। और आपने पढ़ाई वढ़ाई कहाँ करी? मैंने रोहतक में करी, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन करी। मैंने बिजनेस नहीं पढ़ा है। आप मुंबई कब शिफ्ट हो गए? 2010 में। एक्टिंग के लिए? जी हाँ। और ये वाला आइडिया कब हुआ? जब मुझे खुद हेयर एक्सटेंशंस की नीड थी, मुझे चाहिए थी, एंड देयर वाज वन फेज इन माय लाइफ मैं खुश नहीं थी, मुझे काम ज्यादा नहीं मिल रहा था और मैंने अपने खुद के बाल चॉप ऑफ कर दिए थे घर पे बैठे बैठे खुद। अब मुझे एक शूट के लिए एक्सटेंशंस चाहिए थी और मैंने प्रोडक्शन हाउस को बोला कि प्लीज पे फॉर इट एंड दे रिफ्यूज्ड। मैंने सोचा एक दिन मैं एक्सटेंशन, नॉट रियली, मतलब एक थॉट आया। वेल प्लेड। ये कौन से साल की बात है? ये है 2016 में जब मुझे आइडिया आया। लॉन्च कब किया? लॉन्च मैंने 2017 में वेबसाइट किया, बट या एक्चुअल सेल्स केम मच लेटर। आपका एक्टिंग करियर उस टाइम पे हाउ वाज दैट शेपिंग अप? जब मैंने शुरू किया था तब तो करियर वाज गोइंग डाउन, देन इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड द बिजनेस वाज गोइंग अप। तो 2019 के टाइम पे जब मेरा एक्चुअल बिजनेस परफॉर्म करने लगा
उस साल मैं खुद 6 वेब शोज कर रही थी और मेरे वेब शोज लॉकडाउन में सब रिलीज हुए. लॉकडाउन में मैं घर पे बैठी थी. ऑफकोर्स लॉकडाउन में सब इन्फ्लुएंसर्स बन गए, मैं भी बन गई अपने सोशल मीडिया पे और मैं अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों तक रीच करती रही. आफ्टर लॉकडाउन भी ख़त्म हुआ उसके बाद भी अभी भी मैं उतनी ही इन्वेस्टेड हूँ अपने बिजनेस में एंड इट इज़ माई बेबी. पारुल अभी तो इस एरिया में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, राइट? यस. तो आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? मेरे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होते हैं इतना मुझे पता है और हेड टॉपर्स बहुत लोग नहीं कर रहे, सिर्फ 2-3 कंपनीज हैं जो कर रहे हैं हेड टॉपर्स. मैं एक चीज पूछने नमिता विनीता आप लोगों से कि ये आप लोगों को मेड होती है? मैं हेयर एक्सटेंशन लगाती. पहले होता था कि विग एक टैबू था कि हो विग लगाया, पर अभी बहुत कॉमन हो गया है. इट्स अ फैशन एलिमेंट. आपको कोई ब्रांड पता है इसमें कोई एग्जिस्ट करती है? हमारा एक ब्रांड है, हमने सीजन 1 में मैंने इन्वेस्ट किया था, हेयर ओरिजिनल्स. कैसा चल रहा है वो बताओ मुझे. क्या ये तो आप ही बताएंगे. मुझे लगता है वो मार्केटिंग पे बहुत स्पेंड कर रहे हैं. मैंने मार्केटिंग पे कभी कुछ खर्चा नहीं किया है और वो D2C आपके साथ होने के बाद भी अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं. I'm just saying कि D2C में इस वक्त अगर आप सर्च करते हैं मेरा प्रोडक्ट, ऑनलाइन सबसे पॉपुलर मैं हूँ. ऑफलाइन मैंने इतना टैप नहीं किया है मार्केट. अभी मार्केट का साइज क्या है? इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री. कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? अक्रॉस द ग्लोब बहुत है. इंडिया में कितनी बड़ी? मैं नंबर नहीं सर्च किया. अब टैंक पे आए हो और आपने सीजन 1 देखा है, राइट? तो इतना बेसिक रिसर्च में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप करके आओ. आई एम सो सॉरी. चलिए आप अपने ही नंबर्स बता दीजिए, आप वो तो पता होंगे. हां वो मुझे पता है. सो लास्ट मंथ मैंने 80 लाख इन सेल्स किया है. 80 लाख? यस. उसके प्रीवियस मंथ कितना हुआ? 79. उसके प्रीवियस मंथ? 64. उसके प्रीवियस मंथ? इतना नहीं पड़ा. FY22 इट वाज 6.7 करोड़. 6.7 करोड़ आपने फाइल करके रिटर्न्स में फाइल किया नेट रेवेन्यू? यस. और उसमें प्रॉफिट? 30% मेरा नेट प्रॉफिट. वेल डन. अमेजिंग. गुड. इस साल का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू? आई एम होपिंग टू गो नियर 15. ओके. प्रॉफिट उतना ही रहेगा? प्रॉफिट इनफैक्ट और बढ़ सकता है क्योंकि अब मैं इन्वेंट्री भी ज्यादा स्टॉक अप करती हूँ. पहले से मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स रखती हूँ. तो आप 5 करोड़ रुपया बना लेंगी ये साल सिर्फ हेयर बिजनेस में? यस. तो आ जाइए, यहाँ बैठिए, मैं वहाँ चला जाता हूँ. नहीं ऐसे मत बोलिए सर. बट इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल. You know, very incredible. Good. You deserve a clapping for building a 5 crore profitable business. Execution skills solid lag rahi hai aapki, clear numbers dekhe. Lekin without marketing, aapne 15 crore ka business kaise banaya? My product is very good. Aur wo instantly problem solve karta hai. Word of mouth hai. Word of mouth first. फिर उसके बाद उसे मैं अपनी वीडियोस में, सो इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस जो हैं. तो इंस्टाग्राम इज योर मेन सोर्स. कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मेरे इंस्टाग्राम पे 245K हैं निश हेयर पे. वाओ. और मेरे अकाउंट पे 1.2 मिलियन है. वाओ. ये मेरा इंस्टाग्राम है. दिखाइए थोड़ा, एक दो रील्स दिखाइए जो आपने डाले. अच्छा, आप खुद ही सारे रील्स बना देते हैं? हाँ, मैं हर वीडियो में होती हूँ. गुड डे. लवली. आपने इसमें क्या किया है जिसकी वजह से इतना एंगेजमेंट और ये सब ला पा रहे हो और इतनी बड़ी सेल ला पा रहे हो? जैसे विनीता मैम ने कहा कि पहले लोगों को पता नहीं था. आई डू टेक प्राइड इन इट कि मैंने हर वीडियो में बैठ बैठ के बताया इस क्लिप को आप कैसे लगा सकते हो, अगर क्लिप टूट जाए उसको सिल कैसे सकते हो, एक्सटेंशन को वॉश. कोई भी वीडियोज आप देखेंगे बाकी लोगों की, कोई बात नहीं करता वीडियो में. अब मुझे कंफर्टेबल है, मैं बात कर करके बताती रहती हूँ इस प्रोडक्ट को आप ऐसे लगाएं. अच्छा, आप ऐसे है तो ऐसे स्टाइल भी कर सकते हो और ऐसे स्टाइल करने के बाद आप उसे चेंज भी कर सकते हो. ये आपकी जो सेल है इसके चैनल क्या हैं, कहाँ कहाँ बेच रहे हो आप? nishair.com. ये 80 लाख मेरी ऑनलाइन सेल है. अपनी वेबसाइट पे केवल? nishair.com पे. That's it. Super. Amazon पे से मेरी सिर्फ 3-5% सेल आती है. ऑफलाइन इज 8 लाख व्हिच आई डिडंट मेंशन, सॉरी. आप बॉस हो, आप मालकिन नहीं सुपर मार्केट. मार्केटिंग का खर्चा कितना आपका? मैं 1.3 लाख एक साल में खर्च नहीं, एक महीने में खर्च रही. अमेजिंग. इतने कम मार्केटिंग में 80 लाख का सेल निकाल दूं. आप बार बार कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग नहीं करते. जी, आई डिसएग्री विद यू. जब से आप आई हैं
आपने कम से कम 3-4 बार बोल दिया nishhair.com एंड यू हैव यूज्ड योर प्रेजेंस एज एन एक्टर ऑन इंस्टाग्राम एज अ मार्केटिंग टूल टू ड्राइव निश हेयर. कांग्रेचुलेशंस. फैंटास्टिक मार्केटिंग इंस्टिंक्ट. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. सैंपल देख ले प्लीज. यस. That's a hair topper. You can look at the anything. Yes. Donut. You can look at the big box. Absolutely. Thank you, Paru. ये ऐसे लगाते हैं ना? Oh, Subhi bhai. Easy, no? Easy to put. मैं चाहता हूँ आप अनुपम पे लगाइए. One second, please. अरे spray तो कुछ नहीं. One second. ठीक है, ऊपर से लगा देते हैं. मेरा जोकर बना रही हो आप मेरे को. देखो यार आप बहुत कूल हो. ये निकल रहा निकल बाजी की है भाई. बहुत मजाक उड़ने वाला. Can I try the fringe? Come, I'll transform you first. Oh, you're going to transform me? Oh. अच्छा तो आपने यहाँ highlights डाल दिए मेरे बाल में. और मुझे ये बनाने में पड़ता है अराउंड 300 एंड लॉन्ग वन 350. और ये रियल हेयर है? Yes. तो आपका एवरेज टिकट साइज यही 1300-1500 रुपए है? नहीं, एवरेज कस्टमर स्पेंट इज 5000. 5000 रुपए ऑन माय वेबसाइट. फिर क्या लेते हैं लोग? ये मेरा हीरो प्रोडक्ट है स्कैल्प लाइन टॉपर. स्कैल्प लाइन से लास्ट ईयर मैंने 1 करोड़ से. ओह माय गॉड. यार दिखाइए. 1 करोड़ ओनली ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओनली दिस प्रोडक्ट. ये कितने का बिकता है? 12000 का है इस साल से. ईच वन इज 12000. यस विद हाइलाइट्स इट्स फॉर 13,500. ये 1400 और ये इतना महंगा क्यों? क्योंकि ये पूरी स्कैल्प है और आप उसे देखो, स्कैल्प सिल्क बेस पे बनता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है. हैंड वोवन. और इसकी कॉस्ट क्या है आपकी? इसको बनाने में मुझे लगते हैं लगभग 4000. गॉट इट. तो पारुल आप इस बिजनेस का क्या करना चाहते हो? मैं इसको डेफिनेटली 100 करोड़ बिजनेस बनाना चाहती हूँ. आई थिंक ये रूम बिग है, एक चेयर यहाँ आ जानी चाहिए मेरे लिए कुछ साल. और आपको बिजनेस के बीच में करते करते क्या प्रॉब्लम्स आई? मुझे लगता है मेरी टीम ऑफ कोर्स बेटर हो सकती है. मैं नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ अप्लाई, बिकॉज मेरा टीम 16 पीपल का है और हम ये अपने अभी भी ये स्मॉल होम ऑफिस से ही चल रहा है. मुझे डिफिकल्टी होती है फाइंडिंग द राइट पीपल इन ऑर्डर टू ग्रो. आई थिंक आई एम लैकिंग मोर ब्रेन्स राइट नाउ. पारुल आप मेरे को जबरदस्त एंटरप्रेन्योर लगे. आपने बहुत अच्छी वाइट स्पेस ढूंढ लिया. ये लड़कियों की नीड है और एक ग्रोइंग सेगमेंट है, बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है मेरे लिए. तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा. आपने मांगा 1-2% के लिए. जी. मैं कोई नेगोशिएट नहीं करना चाहता. 1-2%. Wow, congratulations. Wow. Incredible. Wow. Dream deal. Sab ki chhatti kar di. Mujhe to chahiye tha sab ladte mere liye. Uff. Wo hoga. Abhi to. Hum bhi hai maidan mein. Hum bhi hai maidan mein. Zyada jaldi mat karo. आप जो चारों में दे चुका और मैं दूसरा पार्ट जो आपका टीम स्ट्रक्चर और प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी जो लगानी है उसमें बहुत हेल्प कर देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में. आप तो ऑर्गेनिक ला रहे हो तो काफी बड़ा रोल में उसमें प्ले कर सकते हो. मेरा उस वो एक्सपर्टीज पारुल देखो, यू नो एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर अमेजिंग, यू आर अ रॉकस्टार. और आपने जो बोला ना शार्क बनना है, ये मैं फर्स्ट सीजन में थर्ड डील में किसी को बोला था यार तुझे शार्क बनना चाहिए. आई सॉ दैट. यस आई हैव अ ड्रीम और ये होना चाहिए. US में मैं बहुत सारे entrepreneurs देखता हूँ जो जो पिच करने आए होते हैं और वो ही शार्क बनते हैं. दैट एंड आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है. और अभी विनीता और मैं आपको आपके साथ आपके बिजनेस को हेल्प करेंगे ग्रो करने में. विनीता आपको डील करती है. yes. मैं और अमन ऑफर देते हैं, हम साथ में आएंगे. 1 करोड़ फॉर 3%. हमने वैल्यूएशन लगाई है बेस्ड ऑन आपका लास्ट ईयर का नंबर का 5.5 times मल्टीपल. तो आप हमसे कम वैल्यूएशन दे रहे हो, राइट? जस्ट टू बी क्लियर. हाँ, जस्ट टू बी क्लियर.
And Amita ji, can I ask for one thing? Can you say for that reason I'm out? Can you please say that? So you don't want me to give an offer? No, no, but if you do not, please, I would love that. So basically, I think aapko is business ke liye 3 बहुत अच्छे शार्क्स और 2 फैबुलस ऑफर्स मिले हैं और इस एरिया में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. वेल डन. देखिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा बट आई एम आल्सो एन इन्वेस्टर इन हेयर ओरिजिनल्स और वो एक डायरेक्ट कंपटीटर है इसका. वो स्केल में थोड़ा बड़ा है आपसे, ग्रोथ भी ज्यादा है अभी के लिए. आपसे कंपीट करने में मजा आए. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड फॉर दैट रीजन आई लव दैट व्हेन यू गाइस से दैट. सॉरी, एक बात पूछूं आपसे? यस सर. आपने शुरू में एक बात कही कि मैं मालकिन हूं इस बिजनेस की, राइट? एंड इट हैज बीन प्लेइंग ऑन माय माइंड. जब आप आज इन्वेस्टर्स लाएंगे, शेयर होल्डर्स लाएंगे, तो शायद आप पूरी मालकिन नहीं रहेंगी इस बिजनेस की. आगे चल के हो सकता है 30-40% इन्वेस्टर्स ले जाएं. तो आपका कुछ थॉट प्रोसेस है उस बारे में? नो, आई एम नॉट लुकिंग टू सेल अ लॉट ऑफ इट बिकॉज़ मुझे चाहिए कि अ लॉट ऑफ इट शुड स्टे माइन ओनली. या बट व्हाट इज योर लॉट? मुझे नहीं लगता मैं 80% मतलब तो मेरे लिए मैं रखना चाहती हूँ. मुझे क्या लगता है ना पारुल, आप एक टफ फाइटर एंटरप्रेन्योर हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं, सेल्फ मार्केटिंग कर सकते हैं. मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये 50-100 करोड़ की जर्नी will be easy, right? आपके लिए. पर उससे आगे की जर्नी में जो शेयर होल्डिंग इकोसिस्टम है, जो आपकी ड्रीम्स हैं, अगर आपको उसके लिए कैपिटल रेज करना पड़ा तो आपको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी. तो उस वजह से मैं इससे बाहर होना चाहूँगा. और दूसरा, मैं एयर ओरिजिनल में इन्वेस्टर हूँ, अभी वो नया राउंड रेज कर रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है. पर ज़्यादा बड़ा रीज़न मेरे लिए वो ये है कि ओनरशिप वाला इशू आगे चल के आ सकता है. बट फोकस ऑन टीम, मे बी चेंज योर ओपिनियन अबाउट दिस एंड बेस्ट ऑफ लक. सो पारुल, आपके पास 2 ऑफर्स हैं. एक ऑफर है अमित का, विच इज फॉर 2% 1 करोड़, एंड द सेकंड ऑफर इज विनीता और मैं एक साथ आएंगे 1 करोड़ फॉर 3%. आई नो अमित सर एंड विनीता जी, आप दोनों बहुत बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं. मुझे जानना है कि मुझे कितना वक्त मिलेगा. वक्त मेरी तरह से सबसे ज़्यादा मिलेगा मेरे व्यू में, क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह नहीं काम करता जैसे अनुपम जी काफ़ी बिजनेस में पैसा डालते हैं. मैंने अपनी कंपनी में काफ़ी बिजनेस में पैसा नहीं डाला है. नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ. मैं पर्सनली खुद क्या ग्राउंड एग्जीबिशन में इन्वॉल्व हो जाता हूँ अपने फाउंडर्स के साथ. दैट्स व्हाट आई डू पर्सनली. और मैंने जो भी बनाए हैं अभी तक, लकीली फॉर मी, सारे $100 million प्लस के बिजनेस हैं आज. आपको मुंबई में शुगर की टीम का एक्सेस मिलेगा. मुझे नहीं पता हम एज शार्क्स कितना टाइम स्पेंड कर पाते हैं, बट हमारी टीम्स जो होती हैं वो एग्जैक्ट सेम चीज करती हैं. तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में एंड सोशल मीडिया में मदद कर सकते हैं. हमारा भी टाइम लिमिटेड है. हम अपने बिजनेसेस बना रहे हैं, हम अपने बिजनेस ही ग्रो करेंगे. पर आपको बीच बीच में जहां सपोर्ट चाहिए होगी, वहां सपोर्ट के लिए हम होंगे. आप बताइए, अब टाइम हो गया है? एब्सोल्युटली. सो माय गट सेज अमित सर, डील पक्की. फिर हेयर ओरिजिनल हो गया हमारे साथ. Thank you, sir. I so would love to work with you. Thanks. कुछ बड़ा बनाएंगे. Enterprise. Thank you.